जिसका इंतजार था, जिसे देखने की आंखें मुंतजिर थीं, जुमेरात को वैसा ही हुआ। कुछ दिनों से गायब वजीर दाखला जुल्फिकार मिर्जा मंजर आम पर आ गए। सिंध असम्बली के इजलास में नहीं बल्कि लियारी के तरक्याती मंसूबों के मौका पर मीडिया ने जुल्फिकार मिर्जा को घेर लिया और पहला ही सवाल पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से पूछा। मिर्जा साहब ने MQM से इत्तेहाद को एक बार फिर साइड पर रखा और पीपल्स अमन कमेटी की हमायत में बोले, जमहूरियत की खातिर जमहूरियत के हाथ मजबूत करने के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने के लिए हम वेलकम करते हैं इस बैन को और अपने दफातर ईदी को और पीपल्स पार्टी के हवाले करते हैं। अपने इस्तीफे के मुतालिक खबरों की भी जुल्फिकार मिर्जा ने खुलकर तर्दीद की। मुझे अगर भेजना होता तो आज मुझे यहाँ नहीं देखते, मैं अभी भी मिनिस्टर हूँ और होम मिनिस्टर हूँ। जुल्फिकार मिर्जा का कहना था कि रेमंड डेविस को अदालतों ने रिहा किया। पहले भी कह चुका हूँ कि अदालतें क्रिमिनल्स को छोड़ देती हैं और रेमंड डेविस की रिहाई भी ऐसे ही है।